वेलकम बैक आज की हमारी कहानी कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर हसन बस अड्डे के पास रहने वाले हरियर काका की है। ये कहानी मिथिलेश्वर जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने हरियर काका के जीवन में कुछ दिनों पहले घटी घटना का वर्णन कर रहे हैं। हरियर काका और मिथिलेश्वर जी एक ही गांव के हैं। काका ने अपना पूरा जीवन सादगी से व्यतीत किया, परंतु उनके जीवन के अंतिम पड़ाव बेबसी और लाचारी का शिकार हो गए। उनके सभी सगे संबंधी स्वार्थी होकर अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। मिथिलेश्वर जी और हरिहर काका की उम्र में काफ़ी फासला है, फिर भी दोनों में मित्रता है। मिथिलेश्वर जी ने बचपन से ही उनके दुख और अकेलेपन को देखा है। मिथिलेश्वर जी हरिहर काका के पड़ोस में ही रहते थे। हरियर काका उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार और दुलार करते। जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने चुप्पी साध ली है और शांत बैठे रहते हैं। अब इस चुप्पी को जानने के लिए उनके जीवन के बारे में जानना जरूरी है। लेखक का गांव एक छोटा सा कस्बा है और उनके गांव में तीन चीज़ें प्रमुख हैं, एक तालाब, दूसरा बरगद का वृक्ष, तीसरा ठाकुर जी का मंदिर। इसे लोग ठाकुरवाड़ी भी कहते हैं। ये मंदिर गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां आए लोगों की हर मन्नत पूरी होती थी। ठाकुरवाड़ी की स्थापना कब हुई ये कोई नहीं जानता। लोग कहते थे कि जब यहां गांव बसा था तो इस जगह पर एक साधु झोंपड़ी बनाकर रहता था। उस समय उस साधु ने ठाकुर जी की पूजा करनी आरंभ की। लोगों ने धर्म से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके यहाँ ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। ठाकुरवाड़ी के पास काफ़ी जमीन है। पहले हरियर काका भी मंदिर जाते थे, पर परिस्थितिवश उन्होंने भी वहां जाना बंद कर दिया। हरियर काका के चार भाई हैं, सभी विवाहित हैं। उन सबके घर बच्चे हैं जो कि बड़े हो चुके हैं। हरियर काका ने भी दो शादियां की, परंतु वे निसंतान हैं। उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग से धार गईं। उन्होंने तीसरी शादी बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की। वे अपने भाइयों के साथ ही रहने लगे। हरियर काका के पास 60 बीघे खेत हैं, हर भाई के हिस्से 15 बीघे खेत हैं। परिवार के लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। भाइयों ने अपनी पत्नियों को हरियर काका की अच्छे से देखभाल करने को कहा। कुछ समय तक तो वे भली भांति उनका ख्याल रखती रही, परंतु बाद में ना करती। भाइयों ने अपनी पत्नियों को सेवा करने के लिए इसलिए कहा ताकि हरियर काका के पास आने वाली जमीन की लागत भाइयों को मिल जाए और उनकी सेवा करने से सारा धन घर में ही रहता। हरियर काका बाहर किसी को भी कोई धन नहीं देते थे। खेत से आने वाला अनाज भी घर में ही प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि उनके भाइयों का भरा पूरा परिवार था तो उनके लिए आमदनी कम बचती थी। दूसरी तरफ हरियर काका अकेले थे, उनकी आमदनी बच जाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब उन्हें घर में कोई पूछने वाला भी नहीं था, बचा हुआ खाना उनकी थाली में परोसा जाने लगा। एक दिन उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। जब एक दिन उनके भतीजे का मित्र शहर से गांव आया तो उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए, परंतु उस दिन भी उन्हें रूखा सूखा खाना ही दिया गया, क्योंकि उस दिन वे सोच रहे थे कि आज तो उन्हें स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। तब उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और बहुओं को खड़ी खोटी सुनाने लगे। ठाकुरवाड़ी के पुजारी उस समय मंदिर के किसी कार्य के लिए बाहर ही खड़े थे। पुजारी ने इस घटना की सूचना मंदिर के महंत को दी। महंत ने इसे शुभ संकेत माना और सब लोगों को इकट्ठा करके हरियर काका के घर की ओर चल पड़े। महंत काका को समझा बुझाकर ठाकुरवाड़ी ले आए। उन्होंने संसार की निंदा करनी शुरू कर दी और दुनिया को स्वार्थी कहना शुरू कर दिया और ईश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। महंत ने काका को समझाया कि वे अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दें, इससे उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी और लोग उन्हें हमेशा याद करेंगे। हरियर काका उनकी बातों को ध्यान से सुनते रहे और दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करें। महंत ने ठाकुरवाड़ी में ही उनके रहने और खाने का प्रबंध करवा दिया। जैसे ही इस घटना की सूचना उनके भाइयों को पहुंची, वैसे ही वे ठाकुरवाड़ी आ गए और अपने भाई को मनाने की कोशिश करने लगे, परंतु वे नहीं माने। अगले दिन वे फिर से ठाकुरवाड़ी पहुंचे और काका के पांव पकड़कर रोने लगे और अपने किए हुए दुर्व्यवहार की माफी मांगने लगे।
हरियर काका का दिल पसीज गया और वह घर वापस आ गए। अब काका की बहुत सेवा होने लगी, उन्हें जिस चीज की भी इच्छा होती वे हाजिर हो जाती। गांव में काका की चर्चा होने लगी, घर के सदस्य जमीन अपने नाम करवाने का प्रयत्न करने लगे, पर उन्होंने ना की, क्योंकि उनके आगे बहुत से उदाहरण थे जिन्होंने जीते जी जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी और उन्हें बाद में पछताना पड़ा। महंत भी मौका देखते ही उनके पास आ जाते और उन्हें समझाते कि जमीन का लालच कितना बड़ा है, इसके लिए तो आपसी रंजिश, झगड़े या खून तक हो जाते हैं। कुछ समय के बाद महंत की चिंता बढ़ने लगी कि कहीं काका जमीन अपने भाइयों के नाम ना कर दे और किस तरह जमीन वे अपने नाम करवाई जाए। एक दिन योजना बनाकर महंत ने अपने आदमियों को भाला, डंडा और बंदूक दिलाकर काका का अपहरण करवा दिया। हरियर काका के भाइयों को जब इस बात की खबर मिली तो वे गांव के लोगों को इकट्ठा करके ठाकुरवाड़ी पहुंचे। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खुलवाने का बहुत प्रयत्न किया पर वे असफल रहे। तब उन्होंने पुलिस को बुला लिया। मंदिर के अंदर महंत के साथियों ने सादे कागजों पर काका के अंगूठे के निशान ले लिए। काका महंत के इस रूप से बहुत हैरान थे। पुलिस ने मुश्किल से मंदिर का दरवाजा खुलवाया परंतु उन्हें कोई हलचल दिखाई न दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज आई। पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो काका को रस्सियों से बांध रखा था, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उन्हें बंधन मुक्त करवाकर उनके भाई अपने साथ घर ले आए। अब काका का और ध्यान रखा जाने लगा, दो तीन लोग उनके साथ सोते, कहीं दोबारा महंत उनका अपहरण ना करवा ले। जब वे गांव जाते तब भी उनके साथ दो तीन लोग जाते। अब उन पर दबाव पड़ने लगा कि अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम कर दे। जब एक दिन भाइयों की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया तब उन्होंने एक भयानक रूप धारण कर लिया और उन्होंने उन्हें धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से जमीन हमारे नाम कर दो, नहीं तो मार कर तुम्हें घर में ही गाड़ देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने काका को मारना शुरू कर दिया। काका अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे तो भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठा हुए। महंत तक भी ये बात पहुंची, वे पुलिस लेकर उनके घर आया। पुलिस ने काका को बंधन मुक्त करवाया और बयान लिया गया। काका ने बोल दिया कि मेरे भाइयों ने मुझसे जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए हैं। उनकी दशा देखकर लग भी रहा था कि उनके साथ मारपीट हुई है। अब काका ने पुलिस से सुरक्षा मांगी, वे अब अपने भाइयों से अलग रहने लगे हैं। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया है और दो तीन पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा दे रहे हैं और उनके पैसों पर मौज कर रहे हैं। तभी एक नेताजी उनके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आए, आप अपनी जमीन पर उच्च विद्यालय खोल दें। पर काका ने साफ रूप से इनकार कर दिया। अब गांव में अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग कह रहे हैं कि महंत काका के मृत्यु के बाद साधु संतों को बुलाकर जमीन पर कब्जा कर लेगा। अब काका गूंगेपन का शिकार हो गए हैं और आकाश की ओर देखते रहते हैं। काका के बच्चे ना होने के कारण काका के भाइयों ने उनकी जमीन पर अपना अधिकार समझने लगे। इस जमीन के लिए लोगों ने पहले प्यार और मनोबल से प्रयत्न किया परंतु बाद में मारपीट पर उतर आए, क्योंकि वे जानते थे कि एक बार मैंने जमीन इनके नाम कर दी तो मुझे कोई नहीं पूछेगा और उम्र के इस पड़ाव में उन्हें किसी न किसी व्यक्ति की सहायता की जरूरत अवश्य है। कहानी आज एक गांव तक सीमित नहीं है बल्कि शहरों में भी इस तरह के प्रसंग सुनने को मिलते हैं कि एक बूढ़े को जमीन जायदाद के लालच में आकर घर वालों ने घर से निकाल दिया और वृद्धाश्रम छोड़ आए। कहीं कहीं उन पर जमीन के लिए अत्याचार भी होते हैं, जैसे हरियर काका पर हुए। यह कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और ना ही धर्म के नाम पर किसी के साथ धोखा करना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।